hello everyone i am ratnesh kothari welcoming you all on the u academy platform as you know guys in the previous lecture we were discussing about the state legislature so far we have discussed about the legislative assembly about the speaker what are the qualifications? what are the functions and so on and so forth these were the things which we have discussed so far today we'll discuss about the legislative council which means i'm going to discuss about the vidhan parishad as you know madhya pradesh has only unicameral house which means madhya pradesh has only legislative assembly but in this context i am going to tell you about the legislative council

मिनिमम जो स्ट्रेंथ की यहाँ पर बात की है वो कितनी होगी यहाँ पर सर मिनिमम जो स्ट्रेंथ है वो आपकी यहाँ पर फोर्टी मेंबर्स की देखने को मिलती है और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी हो सकती है वन थर्ड याद रखिएगा कितना बोल रहा हूँ मैं वन थर्ड ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दी असेंबली यानी कि मान लीजिए हमारे मध्य प्रदेश की अगर बात करें जैसे ऑल है नहीं बट टू थर्टी सीट है मान लीजिए अब इन टू थर्टी का जो भी वन थर्ड परसेंट होगा वन थर्ड होगा वो आपके क्या कहलाएगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए पता हो गया अब अगर मैं बात करूं मिनिमम और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इसको कौन फिक्स करता है इट इज मेनली फिक्स द पार्लियामेंट तो कौन फिक्स करेगा यहाँ पर मैक्सिमम और जो मिनिमम स्ट्रेंथ है इट इज मेनली डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट ठीक है भाई इलेक्शन की बात करेंगे भाई किस तरीके से यहाँ पर इलेक्शन होता है सो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये आपके इनडायरेक्टली चुने जाते हैं वहीं अगर मैं बात करूंगा आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में तो हमने देखा था वहाँ पे जो मेंबर्स थे वो आपके डायरेक्टली चुने जा रहे थे अब अगर कुछ कंपैरिजन देखूँ मैं यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा ये है मान लीजिए लोकसभा एल एस स्टैंड फॉर योर लोकसभा आर एस स्टैंड फॉर योर राज्यसभा एल ए स्टैंड फॉर योर लेजिस्टिव असेंबली एल सी स्टैंड फॉर योर लेजिस्टिव काउंसिल तो ये इन दोनों के जो फंक्शन है कुछ कुछ सिमिलर होंगे इन दोनों के जो फंक्शन है ये कुछ कुछ सिमिलर आपको देखने को मिलेंगे यानी कि दोस्त लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहां पर भी आपके कैसा हो रहा है इलेक्शन डायरेक्ट हो रहा है लेजिस्लेटिव अगर मैं लोकसभा की बात करूँ तो वहाँ पर भी इलेक्शन डायरेक्ट हो रहा है राज्यसभा की बात करेंगे तो वहाँ पर इलेक्शन का जो मैनर है वो इनडायरेक्ट मेथड है एंड लाइकवाइज यही मेथड आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपको देखने के लिए मिलता है टोटल फाइव बाय सिक्स मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर देखिएगा टोटल जो स्ट्रेंथ है उसके फाइव जो मेंबर्स हैं वो कैसे होंगे इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे ठीक है सर वहीं अगर मैं बात करूं दोस्त वन बाय सिक्स इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा वन बाय सिक्स जो मेंबर्स हैं ये आपके नॉमिनेट किए जाएंगे बाई गवर्नर अगर क्वेश्चन आता है आपको घुमा देगा अब बोलेगा वन बायथ आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है वो इलेक्टेड अगर ऐसा लिखा आता है एग्जाम के अंदर तो उसे आप गलत मान लेना क्यों भाई क्योंकि सर वन बाय सिक्स जो है ये आपके नॉमिनेट किए जाते हैं वन थर्ड जो है

वन बाय ट्वेल्थ जो मेंबर्स रहेंगे ये आपके टीचर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे और ये जो टीचर्स होंगे ये आपके हायर सेकेंडरी स्कूल से कम के टीचर नहीं होने चाहिए एंड वन थर्ड आपके कहाँ से इलेक्ट किए जाएंगे फ्रॉम दी लोकल बॉडीज विच मीन्स आपके जो पंचायत हैं एंड जो आपके म्यूनिसपैलिटीज़ हैं वहां से इलेक्ट किए जाएंगे एक बार रिपीट कर रहा हूँ वन बाय सिक्स जो है वो क्या हो रहे हैं सर नॉमिनेट किए जाना है बाय दी गवर्नर फाइव बाई सिक्स जो मेंबर हैं ये क्या हो रहे हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड आपको देखने को मिलेंगे वन बाय थर्ड आर इलेक्टेड बाय दी एम जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी उनके द्वारा चुने जाएंगे एक बटे यानी वन बाय जो रहेंगे आर फ्रॉम द ग्रेजुएट स्टैंडिंग एंड दी स्टेट एंड वन बाय ट्वेल्थ आपको देखने को मिलेंगे जो कि टीचर्स के द्वारा चुने जाएंगे और ये जो टीचर्स रहेंगे आपके हायर सेकेंडरी स्कूल से कम के टीचर नहीं होने चाहिए one by sixth, अगर मैं बात करूंगा तो जो टोटल मेंबर है वो आपकी कौन देखेगा सर ये आपके टोटल अगर मैं बात करूंगा बाय द गवर्नर अपन ने देख लिया है इसके बारे में नॉट दी गवर्नमेंट इट इज दवर्नर जस्ट लाइक राज्यसभा अगर मैं बात करूँ लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई टर्म फिक्स नहीं है क्या नो टर्म बट इसका जो अब देखो हाउसेस की बात करो समझना क्या हो रहा है यह है आपकी लोकसभा जिसका सर टेन्योर है पांच साल और यह पहले भी डिसॉल्व हो सकती है वहीं अगर मैं बात करूंगा राज्यसभा के बारे में तो सर इसका कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं है नो टेन्योर ओके तो सर क्या क्या प्रोसीजर रहेगा समझाता हूं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूंगा तो अगेन सर पांच साल टर्म रहेगा बट सर लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो अगेन नो टर्म इट मीन सर इस हाउस का कोई टेन्योर नहीं है बट मेंबर्स का टेन्योर तो रहेगा सर मेंबर्स हैव टेन्योर कैसा कि हर दो साल में क्या बोल रहा हूं मैं हर दो साल के अंदर एक बटे ते अगर मैं बात करूँगा वन बाई थ्री जो रहता है वो आपके क्या हो जाएगा पर्टिकुलरली जो मेंबर्स होंगे वो आपके रिटायर हो जाएंगे एंड जनरली इसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन लगाते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका जो टेन्योर हमारे सामने निकल के आता है वो छः साल आता है ठीक है भाई और अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं बात करूँगा तो एक बटे तीन अगर मैं बात करूँ वन, वन बाई थर्ड मेम्बर्स आर रिटायर एट द एंड ऑफ़ एवरी टू ईयर हर दो सालों में याद रखिएगा एक बटे तिहाई जो मेंबर्स हैं आपके ये रिटायर हो जाते हैं अब जब ये रिटायर हो जाएंगे क्या ऐसा ये री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे री इलेक्शन के लिए जी हाँ बिल्कुल रहेंगे रिटायर्ड मेंबर्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर दी री इलेक्शन री इलेक्शन के लिए क्या रहेंगे एलिजिबल रहेंगे ठीक है भाई आगे हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में इफ़ यू वॉन्ट टू बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉट आर द क्वालिफिकेशंस यू हैव रिक्वायर्ड टू बी ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर एक तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए ठीक है नॉट लेस देन आप तीस साल से कम के नहीं हो सकते हो जी हाँ पर सर हमने जब लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की थी तो उसमें बोला था नॉट लेस देन द्वेंटी फाइव क्या ऐसा ही कुछ कुछ नजारे हमको लोकसभा और राज्यसभा में देखने के लिए नहीं मिलते बिल्कुल और ये जो सारी क्वालिफिकेशन जो आपके पार्लियामेंट ने प्रिस्क्राइब किए, उसके लिए भी वो आपके क्या होना चाहिए एलिजिबल होना चाहिए और यहां अगर मैं बात करूंगा तो क्या बताए कि जिस भी इलेक्टर को आप चुन रहे हो जिस भी अगर मैं बात करूं आप चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं आपको उस पर्टिकुलर स्टेट्स के आप, स्टेट में आपका इलेक्टर का नाम होना चाहिए डिसक्वालीफिकेशन क्या है वही सारे डिसक्वालिफ़िकेशन है भाई एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत क्या होगा सर चेयरमैन डिसाइड करेगा एंड यहाँ पर जो बात की गई है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में मैं फिर से बता दूँ सर ये टेंथ शेड्यूल में बताया गया है टेंथ जो शेड्यूल है हमारा उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है उसके अकॉर्डिंग ये कहा है कि इसके तहत सर चेयरमैन साहब जो है वो किसी मेंबर को आपके हटा सकते हैं सैलरी जो रहेगी ये कौन डिसाइड करेगा सर सैलरी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर मैं बात करूं यहां पर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेंगे इनकी सैलरी कौन डिसाइड करेगा इट इज मेनली डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर अगर एग्जाम में आपके पार्लियामेंट प्रेसिडेंट या गवर्नर लिखा आता है तो उसे काट दीजिएगा वो बिल्कुल गलत होगा सैलरी यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा रेजिग्नेशन की जब बात होगी तो चेयरमैन अपना रेजिग्नेशन किसको देगा भाई तो सर लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही अपना देगा चेयरमैन रेजिग्नेशन टू दी डेप्यूटी चेयरपर्सन डेप्यूटी चेयरपर्सन को क्या देगा अपना रेजिग्नेशन देगा नेक्स्ट हम बात करेंगे चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में तो सर जब चेयरमैन की बात हो रही है तो पहली चीज उसके बारे में यह बोलना चाहिए कि वो आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होना ही चाहिए और जो चेयरमैन है उसका जो चुनाव होगा वो आपके उन्हीं मेम्बरों में से होगा और जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि भाई जो रेजिग्नेशन है किसको दे रहा है सर सिंपल सी बात है डेप्यूटी चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन देगा और डेप्यूटी चेयरमैन अपना रेजिग्नेशन किसको देगा तो वो भी देखेंगे आगे जाके स्पीक जो आपका चेयरमैन है उसको देगा अब कौन कौन से वो हैं जब डेप्यूटी चेयरमैन आपके चेयरमैन की तरह काम कर देगा अब देखो क्या है इफ इफ सीज टू बी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल पहला दूसरा है आपका इफ द चेयरमैन रिजाइन अगला है इफ द चेयरमैन रिमूव बाय द रेजोल्यूशन पासड बाई दी इफेक्टिव मेजॉरिटी मैंने आपको बोला था कि आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप ये मेरी क्लास देख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कि आपकी स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है एब्सोल्यूट क्या होती है इफेक्टिव क्या होती है इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगली हम बात करेंगे इनके रिमूवल प्रोसीजर की जस्ट लाइक दी अगर मैं बात करूँगा लेजिस्टिव असेंबली चौदह दिन पहले आपके प्रायर नोटिस दिया जाएगा किसको चौदह दिन पहले सर प्राय नोटिस देंगे यहां पर हम बात कर रहे हैं आपके चेयरमैन ऑफ द एलसी यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल अब कौन कौन से फंक्शन है तो सर सिमिलर वही फंक्शन है स्पीकर जो आपके असेंबली के अंदर होते हैं ना सेम वही फंक्शन आपको यहां देखने में मिलेंगे सैलरी एंड अलाउंसेस जो है यहां पर कौन डिसाइड करेगा हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था क्या देखा था स्टेट लेजिस्लेचर जो है सर यह सारी चीजों को तय करता है लिखा हुआ है ना एम एल सी सैलरी डिसाइडेड बाई दी स्टेट लेजिस्लेचर नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर आपके डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तो इसको भी आपके कहाँ से चुना जाएगा सर जो स्टेट लेजिस्टिव के मेम्बर्स हैं उन्हीं में से इसको चुना जाएगा ये अपना रेजिग्नेशन किसको देगा दोस्त तो ये अपना रेजिग्नेशन देगा सर चेयरमैन साहब को और अगर इसकी वैकेंसी या अगर मैं बात करूं इसकी बात आती है तो कौन काम करेगा सर इसी के जो मेंबर्स रहेंगे एक पैनल में से उनमें से किसी को चेयरमैन बना दिया जाएगा रिमूवल प्रोसेस कैसा है सर सेम लाइक दी चेयरमैन जो अगर मैं बात करूंगा डेप्यूटी चेयरमैन का जो रिमूवल प्रोसेस है वो कैसा है सेम टू सेम सर आपके जो चेयरमैन चेयरपर्सन है आपके उसकी तरह है अगर बात करें पर फंक्शन की इफ़ एक्ट एज अ चेयरमैन इन द एबसेंस ऑफ चेयरमैन द डेप्यूटी चेयरमैन परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन वेन द ऑफिस इज वेकेंट ठीक है बहुत सिंपल सी बात है सभी को पता होगा और यहाँ अगर मैं बात करूँगा इफ इन बोथ दी केसेस ही हैज ऑल द पावर्स ऑफ द चेयरमैन चाहे अगर वो एबसेंट हो या अगर मैं बात करूँ वहाँ पर वैकेंट हो सीट ऐसे में जब सर डेप्यूटी चेयरमैन जब एज ए चेयरमैन की तरह एक्ट करेगा या काम करेगा उसके पास वो सभी की सभी पावर्स होंगी जो कि आपके चेयरमैन के पास होती हैं क्लियर है अब जब चेयरपर्सन अगर मैं बात करूँ वो नॉमिनेट कर देगा मेंबर्स को फ्रॉम पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ठीक है एनी वन ऑफ कैन देन प्रोसाइड ओवर दी काउंसिल स ऑफ चेयरमैन और दूटी चेयरमैन यही बात तो मैंने आपको किसके कॉन्टेक्स्ट में बताई थी सर यही बात आपने हमको बताई थी लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के कॉन्टेक्स्ट में सेम बातें मैंने यहाँ पर कही थी बस फर्क क्या आ गया है सर फर्क इतना आ गया है कि वहां पर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर था यहाँ पर सर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन देखने को मिल रहा है नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर तो आपको क्या देखने को मिलेगा नेक्स्ट हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन दी स्टेट लेजिस्लेचर किस तरीके से आपको लेजिस्लेटिव प्रोसीजर देखने को मिलेगा इसका यूनिक एमरल हाउस में क्या होता है जनरली एक बिल ऑरिजिनेट होगा सिंगल चैम्बर है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली से ही और जब ये पास कर दिया जाएगा तो गवर्नर साहब क्या करेंगे इसको अपनी असेंट दे देंगे और उसी दिन से ही क्या बन जाएगा आपके कानून या अगर मैं बात करूँ लॉ आपके बन जाएगा नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बिल पास होगा प्रेजेंट किसको किया जाएगा डायरेक्टली टू गवर्नर फॉर दी असेंट ठीक है भाई ये तो यूनी कैमरल की बात हो गई बाई कैमरल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमेशा बिल कहाँ से होगा ओरिजिनेट हमेशा तो नहीं मतलब अगर मनी बिल होगा तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से ओरिजिनेट होगा लेजिस्लेटिव आपके असेंबली से बट इफ द बिल ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर जो आपका बिल है वो कहाँ से निकल रहा है ऑरिजिनेट हो रहा है तो सर ये आपके लजिस्लेटिव काउंसिल से निकलना है तो बिल स्टार्ट यहाँ से होगा हो सकता है लेजिस्टिव असेंबली इसको रिजेक्ट कर दे तो ये बिल क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा ओनली मनी बिल ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंशियल बिल्स जो होंगे ये आपकी कहाँ से निकलेंगे फ्रॉम दी अगर मैं बात करूँगा पर्टिकुलरली लेजिलेटिव असेंबली से मनी बिल का भी सेम प्रोसीजर रहेगा कि वहाँ पर सर प्रायर जो असेंट लेनी होती है वो प्रेसिडेंट साहब की लेनी होती है यहाँ पर जो प्रायर रिकमेंडेशन होगी वो आपके गवर्नर साहब देंगे अब पैनल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नाउ विद फोर्टीन डेज ऑफ द पैनल ऑफ एल ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ऑर्डिनरी बिल और फिनेंशियल बिल अगर पास हो जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से और किसको भेजे जाएंगे फिर आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इसके पास अगर मैं बात करूं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये मनी बिल को सर रिजेक्ट नहीं कर सकती है इसको पास करना ही होगा मनी बिल को क्योंकि उस पर पहले से सहमति किसके आई है आपकी गवर्नर साहब ने आपके पहले से ही सहमति दी है अब हो सकता है कि इस बिल के ऊपर कोई भी एक्शन ना लिया जाए तीन महीनों तक Then the 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 bill have been passed by both the houses and sent to the governor for गवर्नर फॉर as अब वो maan रहा है मान लो आपने यहाँ से बिल निकाल दिया से सर? Legislative Assembly से यहाँ से बिल निकला यहाँ पे सर Legislative Council में ये बिल pahuncha और इस बिल पे सर कोई एक्शन नहीं लिया गया कब तक तीन महीनों तक अगर तीन महीनों तक बिल पे कोई एक्शन नहीं लिया गया तो अपने आप ये बिल जो है पास माना जाएगा ठीक है चलो अब मैं बात करूं जो अल्टीमेट अल्टीमेट जो अथॉरिटी है आपकी वो किसके पास है तो सर जो अल्टीमेट अथॉरिटी है ये लाए करती है आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में क्योंकि सर जब डेडलॉक की बात होगी इन केस ऑफ डेडलॉक देर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग लाइक पार्लियामेंट सर जिस तरीके से जब कोई डेड आता है तो उस समय सर क्या होता है जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है और यहाँ पर सर उस तरीके का कोई भी प्रोविजन हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है रोल ऑफ दी गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो क्या है यूनी कैमरल इन बोथ द कंडीशन और बाई कैमरल में तो आपको पता ही है द गवर्नर में गिव इज असेंट टू द बिल और इट बिकम्स एन एक्ट क्या होगा जैसे ही गवर्नर साहब अपनी असेंट दे, दे देंगे तो वो बिल क्या बन जाएगा एक एक्ट एक बन जाएगा गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं सर बिल को रोक के रख सकते हैं किसके लिए सर प्रेसिडेंट साहब के लिए यहाँ पर रोक कर रख सकते हैं द गवर्नर में रिटर्न द बिल और फॉर द रिकन्सिड्रेशन और सर क्या हो सकता है गवर्नर साहब जो है इस बिल को वापस भी कर सकते हैं कि जाओ दोबारा से इसको पढ़ के ले आओ उसमें जो सुधार करने का बुलाए वो सुधार करो इन दिस केस अगर मैं बात करूंगा द बिल इज पास टू अगेन एंड टू असेंट गवर्नर कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल फॉर द रिकन्डरेशन एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी क्या कि सर मनी बिल जो है उसको रिकंसिडरेशन के लिए आप दोबारा से नहीं भेज सकते हो गवर्नर में रिजर्व अ बिल फॉर द रिकन्डर ऑफ द प्रेसिडेंट अगर बात करेंगे बिल फॉर द रिकन्डरेशन प्रसिडेंट साहब भी आपके इस बिल को वापस नहीं कर पाएंगे अगर मैं बात करूँ सब इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड टू स्टेट लेजिस्लेचर देख लेते हैं क्या है जैसे कि बाय एटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड वन सेम लाइक सेंटर द सीट हेयर इज ऑल्सो फिक्स टिल ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स समझ गए तो आपके ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स तक जो सेंटर की तरह से सीट वगैरह है वो आपके फिक्स कर दी गई है डबल मेंबरशिप अगर आप कहीं से भी डबल मेंबरशिप एक्वायर करने की कोशिश करोगे तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा आई कोई मेंबर या तो वो सर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर कहला सकता है या वो आपके सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर कहला सकता है और मैक्सिमम पीरियड जो आपकी बताया गया है कि आप स्टेट लेजिस्लेचर में एबसेंट रह सकते हो या खाली रह सकती हो जगह साठ दिनों तक याद रहेगा नेक्स्ट हम बात करेंगे वन नाइन्टी फोर के बारे में स्टेट लेजिस्चर हैज़ ए पावर इम्यूनिटीज एंड प्रिवलेजेस एट्सट्रा आर्टिकल वन सेवेंटी टू क्या बताता है ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्चर नो ड्यूरेशन यानी कि सर क्या आर्टिकल वन नाइन्टी फोर में ये बात कही गई है कि सर जो ड्यूरेशन लेजिस्टिव काउंसिल का ये मैंशन नहीं है वहीं अगर मैं लेजिस्टिव असम्बली की बात करूँगा तो इसका टाइम पीरियड आपके पाँच साल देखने के लिए मिल जाता है आर्टिकल 173, आर्टिकल 173 की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिलेचर मिलती है क्या क्वालिफिकेशन जो आपके मेंशन की गई हैं आर्टिकल 173 के तहत वो आपके अगर मैं बात करूँगा स्टेट लेजिचर में डिफाइन की गई है आर्टिकल वन क्या बताता है कि सीनियर ऑफ द स्टेट लेजिस्चर प्रोरोगेशन एंडन प्रोरोगेशन और डिजोल्यूशन की जो बात है वो आर्टिकल 174 में आपके डिफाइन की गई है आर्टिकल 177 सेवन सेवन के बताता है राइट्स ऑफ द मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्टिव हाउसेज तो आर्टिकल 177 में आपके राइट्स और जो मिनिस्टर के राइट्स हैं और जो एडवोकेट जनरल है उसके बारे में बताया गया है सी एम प्लस मिनिस्टर राइट है एडवोकेट जनरल इन द सेम स्टेट सी एम और मिनिस्टर को हैव दाइट जस्ट लाइक द एडवोकेट जनरल ठीक है इसी के साथ जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर वाला टॉपिक है ये यहीं पर कंप्लीट हो जाता है सो गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टडी वेल हैव अ गुड डे गाइज बाय बाय